कम्बल के अंदर घुस गया, दो महीन खाने लिए यार बाद बेटी। पापा ने नहा के तिला लगा के पूरी आदमी बेटी को सुबह सुबह सूद दिए भाई। बड़ा होता है और बड़ा होता है, बड़ा बनता है। कोई मकर संक्रांति के उसमें उपवासम कोई गाना वाना सुना दो फिर। लेको घुगुत ये वाला पूरी इतना मस्त लगता है ना मेरे को। पूजा पाठ करके अपना बढ़िया मंदिर में प्रसाद विसाद लेकर के हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो में यार। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है भैया और आज है 15 तारीख। आज 15 तारीख को, 15 जनवरी को, 14 और 15 जनवरी को हमारे उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कि भैया बोलते हैं मकर संक्रांति। तो वो मनाया जाता है हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में। आप सभी को इस मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिन भैया काफी सारे पकवान वगैरह बनते हैं। फिलहाल यहाँ पे बन रहे हैं पकवान, तो जिसमें कि भैया आज के दिन बनते हैं घुघुते वगैरह बनते हैं। ये चाची खाने के लिए आइए यार, फोटो को दिखाया बन रहा पू। और ये चाशनी में रखी हुई है भैया। और ये देखिए यहाँ पे भैया ये है बड़, बड़ भी बनता है आज और घुघुते भी बनते हैं थोड़ी देर में। ये बड़ है, ये पुआ है, क्या कहते हैं घुरा दी। अच्छा ले तेरे छड़ी वासलीन लगा हम ऐसा ही करते हैं, हमारे में ऐसा ही होता है। ढेर सारी गाई जो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही है, बधाई दे रही है मम्मी। और ये है हमारी अम्मा, ये देखिए ये इधर इसका अनलपट्टे दिखना इसके। ये है अम्मा, देखिए मकर संक्रांति की बधाई अम्मा को। क्या क्या होता है, पुआ पकते हैं, घुघुते बनते हैं और क्या नाम बड़ा होता है और लगड़ हगड़ बड़ा होता है, बड़ा बनता है, क्यों बड़ा होता है बनता है। और उसके बाद आज सब भात और सूजी और टपकिया सूखी सब्जी और दाल भात सभी बनेगी, सब कौवा के लिए रखा जाता है, कल सवेरे उनको देंगे। ये होता है मकर संक्रांति दिन। और यहाँ रानी बाग में आज मेला लगता है, कल मेला लगा होगा, वहाँ लोग खूब आते हैं। और क्या होता है मकर संक्रांति रानी बाग का तो छहरा मेला। ये रानी बाग का ना आज के दिन उत्तरानी का मेला लगता है, रानी का भी रानी बाग में तो लगता है उत्तरानी का मेला। पापा भी सुबह सुबह नहा के रेडी, पापा ने नहा के तिला लगा के पूरी अभी बजी को सुबह सुबह सूद दिए भाई पहले ही। आज जो और चीज पकवान बनते हैं दोस्तों उनको ही खाते भैया, और बाकी जो मेन चीज बनती है पू और घुघुते वगैरह उनको आज नहीं खाते, पर कल सुबह कौवों को देंगे पहले, लेकर बड़ो रहेंगे उसके बाद खाएंगे भैया। भूभ ने भी नहा दिया फर्स्ट क्लास, धूप से एकदम चाय पी रहे यहाँ पे। चाचा का काम चला हुआ यहाँ पे, ये देखिए गोभी काटने का। मकर संक्रांति की बधाइयां दो, कुछ बोल दो फिर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। मकर संक्रांति की बधाई हो। ये बधाइयां आलू की गोभी की टपके बनाने के लिए यहाँ पे कट रही है बिल्कुल, ये गोभी की सब्जी। कोई मकर संक्रांति के उसमें उपलक्ष्य में कोई गाना वाना सुना दो फिर। मकर संक्रांति में कोई एक गाना सुना दे यार तू। सर यार मुझे तो आता ही नहीं है। कोई भी सुना दे, जो आता है वो सुना दे। अरे कोई भी उत्तराणी कौतिका बहार ये वाला सुना दे चल। चाची को गाना नहीं आता है, पर चाची कपड़े धोने में लगी हुई है यहाँ पे। सुबह से भैया सब लोग नहा धो के रेडी होके तिलक लगा दिया, मैं ही काफ़ी लेट हो रहा था, मैंने लेट लगा रखी है और तिलक बन गया है। देखिए तिलक विलक भी लगाते हैं फिर बढ़िया करके, छोटू और सुमन पतंग बना रहे हैं करके आज तो भैया। फिर ये क्या आज के दिन पतंग उड़ाते हैं फिर यहाँ पे? नहीं उड़ाते हैं जरा इतना ना दोस्तों, ये पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं इनको पतंग। आज लोहरी मनाते हैं ना आज दोस्तों, लगाते भैया फिर क्या। फिर इसके बाद पिछा लेने के बाद अम्मा एक गाना सुनाएगी। ये उत्तराणी का तिक लगे रो सरियों का बगड़ा में, तुलाल मिले उला बगना था मंदिर में सरोली। ये वाला गाना सुनाएगी अम्मा, लग गया भैया अम्मा पलास। अरे पलास ले
नहाया तो इसने फोन पकड़ के बैठ गई है वहां से। फोन में रिचार्ज नहीं क्या, रिचार्ज नहीं है। ये खुशी को दिन गाइस, खुशी को दिन, ये बढ़िया है। फिर रिचार्ज खत्म हो गया, बढ़िया हो गया। आने लगी रही ये फोन में। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन आज। कैसा फील कर रही है फिर रिचार्ज खत्म होने के बाद? बहुत ही अजीब सा। ये रिचार्ज खत्म हुआ तो चार ऑफ कर दो रिचार्ज। हम देखते हैं अम्मा से, हम बोलते हैं एक गाना सुनाएगी अम्मा। तभी मैंने गाना सिखाई नहीं, एक गाना यस उतरा जी को तिकला गल सरियो का बगल में तुल आली मेल उल बगना था मंदिर में जुल मेरे सरोली ओ मेरी सरो मेरे सरोली। यार मैंने सोचा अम्मा गाना गाएगी, सुनाई नहीं दिया। ये गौ जब तू बहुत चौहर गया रखी हो यो गीत गौ जब के नाने यो गीत गाने के पैड नहीं हो उतरा जी को अतिक वो गीत सुना दीजो फोन। हेलो हेलो ठीक है यो अमा तुम मतलब नुसुनी क्या तुम मोल गाइस मेरी नानी का गौला लिखा है मालागोट की अम्मा का एक गान मैं एक गान पढ़ो आप ओ तू का ओ बे सब भेटा उतरारी को तिग में मेरी अमा हरा गए चाने चाने बुबू की कमरा पटा यो दिया गया यो मम्मी गान बैठ गए। उतरा जी को अतिक में मेरी अमा हेरा गए चाने चाने बुबू की कमरा बटाइए बस। अमो आम हराना ना हराना कहती ना तुझे बत्तो ने आप तेरी तेरी सासू भाई तुझे बत्तो ने हरानी ने कहती ने। अरे खड़ी हो जा अमो गौरा इधर को देखिए इधर को इधर को ये दोस्तों अम्मा और बजाएंगे ठीक है चार से ज्यादा चल पे उतरा जी को तिक लगे रो उतरा जी को तिक लगे रो उतरा जी को तिक लगे रो सरियों का बगला में तुलाली मले उला बागना था मंदिर में झूला मेरी सरोली ओ मेरी सरो मेरी सरोली मेरी सरोली ओ मेरी सरो मेरी सरोली। दोस्तों देखिए भैया अम्मा ने भी गाया गाना। ये बूबू भी आ गए कुड़ील के भैया एकदम पूजा पाठ करके अपना बढ़िया मंदिर में प्रसाद वसाद लेकर के क्योंकि आज के दिन ना दोस्तों मंदिर में भैया मतलब जाता है भेट वेट वगैरह जो भी जाते हैं मतलब खोंक वोंक वगैरह खोंक बोलते हैं। अच्छा बुबू एक गीत सुना दिया आप दम वगैरह आ गए चीज है दोस्तों उधर पकड़ी है भैया और सब्जी और दाल वगैरह यहाँ के चूल्हे में पकड़ी है। ये देखिए यहाँ पे दाल तो बन गई है और अब बन गए यहाँ पे सूजी। तो इतने सारे पकवान के साथ में भैया थोड़ा सा मीठा भी हो जाए तो इसलिए यहाँ पे बना रहे पापा सूजी अभी और उसमें पड़ेगी देखिए गुड़। तो गुड़ की सूजी बनेगी आज दोस्तों। आज भैया सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ था मेरे को तो लगती थी भैया तगड़ी वाली भूख मैं पूरी लेकर के आ गया हूँ। थोड़ा दाल बची हुई थी कल शाम की राजमा की तो इसके साथ ये पूरी वूरी वगैरह खा लेता हूँ भाई भूख लग रही है तगड़ी वाली। हंस क्यों रहा है भाई तू तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भैया घूघूते बनने स्टार्ट हो गए हैं और ये घूघूतों की पहली स्टार्टिंग ये देखिए गाइस जो ऐसे बनाते हैं घूघूते। सुमन और मम्मी यहाँ पे घूघूते बनाने में लगे हुए हैं तो आटा लेकर के दोस्तों पहले भैया ऐसे बिल्कुल बनाना पड़ता है लंबा बिल्कुल ये पूरा पतला सा फिर इसको गोल गोल घुमा करके बिल्कुल ये ऐसे गोल घूघूते आटा का खेल लगना पड़ता है। गो मम्मी बोल रही है आटा का खेल लगना पड़ता है तब जाके बनता है घूघूता। मकर संक्रांति का मम्मी मकर संक्रांति बोल दे रही मम्मी खाब जना मेरी खाब अलबली मम्मी खाब अलबली का दोस्तों दिखा दे देखो गाइस
देखा तो देखा गया जो मम्मी मकाती संक्रांति इसके मनाई ना मकाती संक्रांति ऐसे बनी है देखो पूजा तू भी बना मकाती संक्रांति बना सर आजा क्या बना है की बना तो क्या बना ये किसे वैसे देख के तो मेरे बस की नहीं है रत्ते की नान खानता फिर मेरे बस की नहीं है अभी आप लेकर के आ गए भैया बाहर से यहाँ पे बनेंगे घूगते। अम्मा ने यहाँ पे बना रखा दोस्तों ये रोटी बना रखी है एक घूगता एक सांगो और एक ये धुन्नू जैसा बनानी क्या बना रखा है ये क्या बता रखी है धुन्नू दो सगो दोस्तों धुन्नू दो अम्मा ने थोड़ा सा ठुड्डू जैसा बना रखा है बिल्कुल तो नून आंसर बना दी बिल्कुल घुमाई चल दी उसके कोई कोई बनो ना कहीं कहीं जिसके बना रखने घुहार जसो खरगोश जसो ताश टाइप वाला बनोने आप ना बनो जरा आप ना दोस्तों आप नहीं बनाते हैं आप तो मतलब केवल बनाते हैं खजूर सांगो घुगुत यही तीन चीज बनाते हैं खजूर बनो और यह घर बनो काकड़ बनो सुनील की से बात समझ नहीं मैं बात इस टाइम तो आदमी को मन लगता है तब बनाते हैं अब कहाँ लगेगा मन अभी जानने आप कहेंगे घुगुत घुगुत बनना मन नहीं लग रहा अब कोई बनाते भी नहीं है अब एक जनरेशन भे पाया अब एक जनरेशन भे के पहले एक जनरेशन था कि ना ने बना दिया रहा खूब जहाँ त्यार ने बनो नहीं था वहाँ त्यार दीजिए अब जा लो अब अकाल हो भूख मर रहे हैं तुम्हारे ये नो विचार करने अब जने अक्को बड़ो अक्को बड़ो में बने हो गए क्या पगल रहे किस वालों अक्को बड़ो बनने बैठे अक्को बड़ो भला अक्को बड़ो क्यों मेरे उठ के ना आदमी धो के देते थे उनको कौवा भी आ जाए अब कौवा भी तो नहीं आ रहे हैं कौवे है ही नहीं है क्यों नहीं है हैं कौवे अब आदमी का सोच ही बदल गए तो दुनिया बदल गई अब क्या कहाँ आएंगे कौवे सज्जू का खाई रह रहे हैं चल दोस्तों काऊ को मैं कहीं ना कहीं से पकड़ करके लाऊंगा जहाँ भी जाना पड़ेगा क्या घुगुत उफेर कर दियो तो उसी का उफेर जिंदगी त्याग घुगुत यार होगा आप तो कहते भाई हमारे टाइम हम यौज बनोची उस बनोची हो क्या यार क्या यार देखो यार हाँ अम्मा बोले हमारे टाइम ये बनाते थे वो बनाते थे अम्मा का घुगुत वैसे उफेर जा रहा हो हमारे टाइम अब हो हिलो टाइम पाँच छः साल जब केल जाली उसे का तू गाँव को तेरी झकर में कण दबो नजाल किसी ठिकाओ धर तो अब टाइम में ब्याह होना था सौरते बाबू को मैं सौरते ईजा को और फन्ना चुन्नी खींच में रखिल मुख ठहर में से मेरी अम्मा भैया मॉडर्न जमाने के बिल्कुल खिलाफ है बिल्कुल खिलाफ है बिल्कुल अम्मा बोल लिया पुराने मतलब जो परंपरा है उसको लाओ बल वापिस ये नया मॉडर्न ये मतलब मेरे को नहीं बात आया बल उनका हम के प्लाजू से वो प्लाजू जींस में उतरने से प्लाजू में उतरने से अपन परंपरा भूल गए से उनका इंटर पास कर दिया उनका नौकरी में जानो उनका चल चल कर से चल मांगन गया उनका चल चल कर से चल कर पड़ गए से अब वो चल कदू चल पाओ ने कौन को बने दी हजरे ने चला गया ने चली गया कह दो ना मार देते हैं गोल 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 ये अरे मेरा घुगुत तो बड़ा मस्त लग रहा है दोस्तों मेरा घुगुत देखो गोल गोल गोरा गोरा ये देख ये देख मेरा कितना चुपड़ा गोल गोल उतार खाए ने गाइस ये देखिए ये दोस्तों घुगुते भैया बनने लग गए हैं और हमारा जो खजूर है वो ढोल जैसा उठाने लग गया है इतने यहाँ पे बना करके छापरी में रख दिए हैं ये घुगुते तो भैया खाना बन के रेडी हो गया है तो सबसे पहले तो भैया आज के दिन ये देखिए गाय के लिए रखते हैं ये कौवा के लिए आई समझ में हाँ अब आई समझ में यार क्यों नहीं आई अम्मा आएगी यार समझा तो सही आ जाएगी यार जल्दी भैया गाय के लिए गोग्रास और ये कौवे के लिए अपने खाने से पहले गौ माता को गाय को दे करके आते भैया भोजन सामने से देख लिया उसने उसको भी पता है भैया आज मेरा दिन है हाँ हाँ तेरा ही है भैया ये ले ये बस अब हाथ में कुछ नहीं है हाथ खाएगा क्या मेरा हो गया कहे ये देख रहे हो इसको बोला अभी अम्मा ने शिल्पोड़ी मंदिर में देख करके आ
वहाँ पे कोई पुजारी आ रखे नहीं आ रखे, यहाँ से खोंख लेके जाएगा। अभी आ रहा है 2 बजे और अंदर आके कम्बल के अंदर घुस गया, मेरे को क्या बोल रहा है, दो महीन खाने लिए यार बलवान बेटी, पूरे दिन भर आराम करके बोल रहा सोऊंगा। मैं हद होती है रे किसी भी चीज़ की, हद। एक्सक्यूज मी सर, लुक एट मी, मेरे भाई आ रखे भाई लगड़ दिनो। अच्छा ये लगड़ देने आ रखा था, फोटो भात खा लगो ला तो देख दागे खिद्दे में गए तो देख को साथ खिद्दे में लिजा देख गए। हंसता है इतनी है, मतलब आज कॉलगेट कर देगा फिर दाता दिखा दिया। तो ये दोस्तों भैया अपना खाना आ गया है, यहाँ पे आलू गोभी की टपकी है। हम आप दूध साथ कुना में खिद्दे हो या यो साइड से या यो साइड से इना जो ये भाव चाहले की आ रही थाई में यार साइड। तो गाइस आज हम खाने वाले हैं सबसे पहले बाल, ये देखिए ये वाला दोस्तों, ये वाला पू इतना मस्त लगता है ना मेरे को। गाइस देखिए बिल्कुल मेरे घर वाले मेरे से खुश हो जाते हैं जब मैं हल्ला कर देता हूँ। तो आप बताइए कमेंट में मेरे को डेली हल्ला करना चाहिए क्या, सारे लोग हाथ दिखा देते हैं बिल्कुल। तो है दोस्तों गुड मॉर्निंग यार। तो दोस्तों भैया आज है 2nd डे और आज भैया वो दिन आ गया है जब सबसे पहले हम लोग धूती माला अपने यहाँ के कौओं को खिलाते हैं और जिसके बाद हम खाते हैं। हम हर साल ऊपर छत में रखते हैं उसको, हम दो ही लोग आ रहे, बाकी तो ना पूजा आ रही ना छोटू आ रहा, कहाँ पर रखा अपना कहाँ पर रखा कौए के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पे रख दिया भैया, इसमें ये देखिए कटोरे में रख दिया सारा हमने, उसका मतलब सुबह का नाश्ता। देखते हैं आज कौवा आता है या नहीं आता है, ये सही रहा। चल बड़ो मगदे सुना को घड़ो लेको बड़ो मगदे सुना को घड़ो लेको भात मगदे पावरफुल हाथ लेको क्योरी मगदे बैगी जींस में व्योली लेको बड़ो मगदे सुना को थड़ो जल्दी आ जाओ लेका। गाइस आज क्या ही गाइस चले ओ लेका क्या चले लेका लगो ठंडो ना मगदे सगो लेका घुगुत घुगुत में क्यों नहीं आ घुगुत में क्या बना लेका बड़ो लेको बड़ो मगदे सुना को थड़ो लेको बड़ो मगदे सुना को घड़ो लेको क्योली मगदे बैगी जींस में ब्योली लेको भात मगदे मुगदे पावरफुल हाथ का कच्चे के चर रे काता नो ना या मुशीचा डोनी रे अब तो कई गए हुगी रे या मुशीचा डोन बट ये काग जा रहा काले कवे काले ये गा दे दवा काले कवे गाइस भैया हल्ला कर करके मेरा वचन पूरा बैठ गया है और कौवा यहाँ पे मतलब एक भी दिखाई नहीं दे रहा है भैया। अब पहले के टाइम में आते थे कौवे बहुत ज़्यादा और अब तो कौवे आते ही नहीं है, अब जहाँ दिखाई दे रहे हैं मुशी चाट दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भी खाए पक्षी नहीं खाना चाहिए। दूर दूर तक कहीं कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में खा जाएगा। कहीं पे छिटोया नजर आ रहा है तो कहीं पे मुशी चौड़ नजर आ रहा है। बस कहाँ खा गया आप कार ले जरा देर में क्या हाल आधे नान कस्ता जी ने मतलब कौन मिला बेर
मैं लापन तरफ बच्ची खुद मिला फिर मतलब कि ना कागज भुला हा ठीक से और ये सब चीज मैं यहां आज कब जने दियो लो जी जी तो कोई भी हो रही ब्योर कब जने दियो ब्योर जो बता ब्योर जी जी जल्दी हरले हरले लगे कागज मांगन छु मैं यहां बता दे बैगी जींस वाई ब्योर ना लिख में सही से बैगी जींस वाई ब्योर ना लिख ठीक से ने अब चल बाप लाते रोल मैं पकाते रेल तुम खाते रहला तो गाइस बैगी जींस वाई ब्योर ना लिख अब ये बैगी जींस वाई ब्योर ना लिख मैं बोल ली तूने जींस टॉप वाली ब्योर ही मांग रखी है बल तुम भैरिया बल यहाँ इनाने मैं कमाल बल बाप लाल बल मैं खया मैं भैरिया बल तो बाकी दोस्तों वीडियो हो गई है समाप्त यार और आप लोगों ने देखा भैया मकर संक्रांति जो कि हमारे पहाड़ का एक लोक पर्व त्यौहार है भैया वो मनाई हमने गुगते वगैरह बनाए काफ़ी सारे पकवान बनाए कितनी सारी चीज़ें की कितनी मस्ती की भैया तो आज भैया दूसरे दिन पे भैया काकू बुलाते हैं काकू गुगते खिलाते हैं उसके बाद ही मतलब सब लोग खाते हैं भैया तो वो भी कम्प्लीट हो गया है तो बाकी वीडियो हो गई है समाप्त दोस्तों और उम्मीद करता हूँ यार आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में सभी को शेयर भी करें इस वीडियो को बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली एक नई वीडियो लेकर के तब तक के लिए जय हिंद जय देवभूमि जय उत्तराखंड।